हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल चिल्ला। मैंने 1 कप लिया है मूंग दाल। इसे धो के भिगोएंगे ओवरनाइट। दाल मैंने भिगो दी है, ये ओवरनाइट भिगोने के लिए रखेंगे। अब दाल को करेंगे ग्राइंड, जो कि मैंने कर ली है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और मिलाएंगे। मूंग दाल के साथ मैं ग्राइंड करूंगी 2 हरी मिर्ची, आधी शिमला मिर्च और आधा टुकड़ा अदरक का। ये मैंने ग्राइंड करने के लिए मिक्सी में डाल दिया। अब मैं इसे करूँगी ग्राइंड। नीचे ग्राइंड हो गया। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। मैंने दाल ग्राइंड कर ली है। मैं इसे 2 मिनट्स तक ऐसे बीट करूंगी। अब इस मिक्सचर में डालेंगे धनिया और आधे से आधा प्याज, 1/4 अनियन। मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 पैकेट इनो। अब इसको मिक्स करेंगे। पैन गरम करेंगे। मैंने 1 चम्मच फुल करके इसमें बैटर डाल दिया है पैन के अंदर। अब इसे बिल्कुल लो हीट पे पकने देते हैं और इसको ढक्कन लगा देंगे। 2-3 मिनट्स तक इसे ऐसे ही रखेंगे लो मीडियम हीट पे। चिल्ले को फ्लिप करेंगे और अब भी इसे 2-3 मिनट्स तक और कुक करेंगे। और मैंने चिल्ला तैयार कर लिया। देखिए कितना अच्छा बना है।